नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पुराने लैपटॉप का हार्ड डिस्क जो है उसको हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाएंगे। यह हमारा ख़राब लैपटॉप है, इसके हार्ड डिस्क को हम निकाल कर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाएंगे। वीडियो पर बने रहें, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा। और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। देखिए, हमारे पास ये सैमसंग का पुराना, बहुत पुराना लैपटॉप है। इसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका है और ये डेड लैपटॉप है हमारे पास। तो हम आज इसका जो हार्ड डिस्क है वो ठीक है, इसका मदरबोर्ड भी ख़राब हो चुका है, इसका रैम ठीक है। तो हम आज इसके हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे और उसको हम लोग एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के जैसे यूज करेंगे, जो कि हमारा नया लैपटॉप में वह काम कर जाएगा। इसमें 500 GB का तोशिबा कंपनी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो पहले हम लोग इसको, इसके बैक कवर को रिमूव करके इसके हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे। और ये हार्ड डिस्क ठीक है और इसके लिए एक केस आता है आपके पास, वो जिसमें ये इसको डालकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। ये देखिए, तोशिबा का ये हमारे पास 500 GB का ये एक्सटर्नल ये हार्ड डिस्क है, लगा हुआ था हमारा लैपटॉप में। अब इस हार्ड डिस्क का हम लोग यूज करके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाएंगे, जो कि हमें बाकी बहुत आगे में काम आएगा, जिससे हम एक्सटर्नली इसको 500 GB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक ब्लैक कोड नाम का ये 2.0 USB का ये केस है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क केस है, जिसको जिसमें ये देखिए तरफ में USB कोड भी लगा हुआ है। ये इसमें लगाएंगे तो ये किसी भी लैपटॉप या किसी भी चीज़ में हम लगा के इसका इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के जैसे यूज कर सकते हैं। तो इस केस को हम लोग खोल लेंगे और इसमें एक अडेप्टर लगा रहता है, जिससे हम हार्ड डिस्क की अडेप्टर है और इस अडेप्टर के थ्रू हम लोग जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है इसको हम लोग इसमें लगा फिट कर लेंगे। आसानी से फिट हो जाता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप आसानी से इसको जस्ट हल्का सा प्रेस करेंगे और लगा देंगे। इसके सेम साइज का वो बॉक्स बना हुआ मिल जाता है, ये आपको मार्केट में 150 रुपये के करीब में मिल जाएगा। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है आपका, पुराना जो हार्ड डिस्क है उसको यूज कर ले एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने में, क्योंकि जो अभी आज के टाइम में जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है 500 GB का, वो 3000 के करीब में मिलेगा और जो 1 TB का होगा वो 4-5 हज़ार में आएगा। तो ये 4-5 हज़ार का खर्चा आप सिर्फ 150 रुपये में कर सकते हैं। तो आज देखिए ये कर दिया, अब हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो हमने अपने लैपटॉप में इसके USB को लगा लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि ये जो है वर्किंग कर रहा है या फिर इसके जो डेटा है उसको हम लोग रिट्राइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब देख सकते हैं इसमें एक लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, ये हार्ड डिस्क रीड ले रहा है हमारे लैपटॉप में। अब हम लोग इसका फाइल जो है हम लोग इसको लैपटॉप में देखेंगे। देखिए, इसमें लैपटॉप में हमारा वो इसके जितने ड्राइव थे वो ड्राइव यहाँ बन गए हैं, क्योंकि ये तो लैपटॉप में था, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ था तो इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी थी, प्लस जितने ड्राइव हमने बना के रखा था उसमें वो सारे दिख रहे हैं। इसमें देख सकते हैं ये एक ड्राइव है जिसमें हमने बना के रखा था ये मूवी के नाम से, ये वो बना हुआ दिख रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव बना हुआ है। इस तरह से 4-5 ड्राइव बने हुए थे। आप चाहें तो इसको फॉर्मेट करके इसके पार्टीशन को पूरा हटाकर फिर से एक ही 500 GB का बना सकते हैं, या ये 4 भाग में भी आप रख सकते हैं। आप इजी वे में इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डाटा इसमें से ले भी सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। ये आपका एकदम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जैसे यूज आएगा और बहुत अच्छा है इसको यूज करना। इसको मात्र आप 150 रुपये में ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है हमें, और कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।